हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं बायोकॉन शेयर के ऊपर। इन डिटेल में बात करेंगे, सभी पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। पहले हम लोग फंडामेंटली बात करेंगे और फिर हम लोग टेक्निकली देखेंगे। स्टॉक में एक बहुत ही ज़बरदस्त रैली हम लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर बात करेंगे तो इंटायर फार्मा सेक्टर में जो है अचानक से हम लोगों को तेजी देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से जो है यहाँ पे एक और स्टॉक है, इससे पहले हम लोगों ने शेयर किया था स्पार्क सन फार्मा एडवांस रिसर्च, और वहाँ पे हम लोगों को विद इन मंथ जो है 100 पॉइंट से ज़्यादा का रैली देखने को मिल चुका है। तो वापस से एक और जो स्टॉक है बायोकॉन, यहाँ पे भी कुछ सिमिलर रैली हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो कौन से लेवल पे आपको एंट्री लेना है, क्या पूरा एनालिसिस होने वाला है, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको सभी पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम लोग एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक अपडेट है, यहाँ पे NBCC के ऊपर हम लोगों ने वीडियो बनाया था, पूरा डिटेल एनालिसिस किया था 10th of October को। 10th of October को अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने इस पर्टिकुलर कैंडल के बाद जो है यहाँ पे डिटेल एनालिसिस वीडियो किया था। और उसके बाद से अगर देखेंगे तो स्टॉक में हम लोगों को ऑलमोस्ट 50% का रैली देखने को मिल चुका है। स्टॉक ने आज के सेशन में 88 रुपीज़ 55 पैसे का हाई लगाया है। तो तकरीबन जो है यहाँ पे हम लोगों को 50% का रैली देखने को मिल चुका है। तो इस स्टॉक में एक बहुत ही शानदार तेजी हुआ है, और इसी टाइप के स्टॉक्स जो है हम लोग लगातार शेयर करते रहते हैं। तो जब तक आप कंप्लीट एनालिसिस को नहीं देखिएगा, आप जो है ऐसे मूव को कैप्चर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपके पास पूरा प्रॉपर प्लान नहीं होगा, आप जो है उस रैली को कैप्चर नहीं कर सकते। इसी वजह से वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने ट्विटर या फिर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक के थ्रू आप जो है ट्विटर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे कि आपको और भी स्टॉक्स के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोकॉन के ऊपर। बायोकॉन के शेयर में अगर देखेंगे आज के सेशन में स्टॉक 6.5% की तेजी के साथ क्लोज दिया है। ऑलमोस्ट अपने डे के हायर लेवल पे ही स्टॉक ने क्लोज दिया है। आज के सेशन में अगर बात करेंगे तो स्पार्क में वापस से हम लोगों को आज के सेशन में जबरदस्त तेजी देखने को मिला। तकरीबन 14% से ज़्यादा का तेजी जो है हम लोगों को स्पार्क में भी देखने को मिला। अगर हम लोग इस स्टॉक के ऊपर बात करेंगे तो लास्ट 1 मंथ में स्टॉक तकरीबन 18% ऊपर ट्रेड कर रहा है, और लास्ट 6 मंथ की अगर बात करेंगे तो स्टॉक जो है लास्ट 6 मंथ के हाई पे ट्रेड कर रहा है। और यही इस स्टॉक के लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है, जो स्टॉक जो है लास्ट 6 मंथ के हाई के ऊपर निकल चुका है, और यहाँ पे क्लियरली हम लोगों को एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। लास्ट 1 ईयर की बात करेंगे तो स्टॉक जो है लास्ट 1 ईयर के भी हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो चलिए अब हम लोग फंडामेंटली पॉइंट के ऊपर देख लेते हैं। फंडामेंटली अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी जो है ये आपको एक लार्ज कैप कंपनी है, 33,912 करोड़ का मार्केट कैप है। लेकिन कंपनी में लगातार हम लोगों को प्रेशर देखने को मिल रहा था, और ये प्रेशर था आपको ROCE कम है, और साथ ही साथ ROE रिटर्न ऑन कैपिटल और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही आपको कम है। इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं आपको इस कंपनी के स्टॉक प्राइस के ऊपर भी प्रेशर देखने को मिल रहा था। अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करेंगे तो प्रमोटर के पास जो है 60.64% का होल्डिंग है, और ऑलमोस्ट प्रमोटर का होल्डिंग कांस्टेंट है। FII के पास जो है वो 7.97% का होल्डिंग है एज ऑफ सेप्टेम्बर 2023। अभी दिसंबर क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट नहीं हुआ है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 14.08% DII का है, और DII ने सितंबर क्वार्टर में यहाँ पे अपने स्टेक को इंक्रीज किया था। रेस्ट जो है वो आपको 16.92% जो है वो पब्लिक के पास है। अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम लोगों को लगातार कंपनी में ग्रोथ देखने को मिल रहा है।
2086 करोड़ का सेल्स जो है कंपनी 2012 में कर रहा था, जो कि अब 11,000 करोड़ का सेल्स हो चुका है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो करंट फाइनेंशियल ईयर में इससे भी ज़्यादा सेल्स जो है अब आ चुका है। तो एक अच्छा ग्रोथ जो है हम लोगों को लगातार देखने को मिल रहा है। सिमिलरली अगर देखेंगे तो प्रॉफिट में भी हम लोगों को एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पे आपको प्रॉफिट कम होता हुआ रिसेंटली के ईयर्स में दिखा है, उसके पीछे का सबसे बड़ा वजह है जो यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है वो आपको थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। मशीन्स पुराने हो रहे हैं तो इसी वजह से जो है उसको रिप्लेस किया जा रहा है नए मशीन्स के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ, और इसी वजह से जो है यहाँ पे डेप्रिसिएशन कॉस्ट जो है आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एक और जो रिसेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ रहा है क्योंकि कंपनी के पास डेट काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम लोग बैलेंस शीट के ऊपर देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जो है 18,252 करोड़ का डेट है। तो ये काफ़ी बड़ा डेट है क्योंकि 33,000 करोड़ का जो है मार्केट कैप है और 18,000 करोड़ का डेट है, यानी कि 50% जो है मार्केट कैप का वो डेट है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो है आपको 0.5 के अराउंड में है, अभी भी कंट्रोल्ड है, बट जो है डेट हाई डेट है। लेकिन कंपनी के लिए कंसर्निंग इसलिए ज़्यादा नहीं है क्योंकि यहाँ पे अगर कैश फ्लो की बात करेंगे तो लगातार कंपनी एक अच्छा पॉजिटिव कैश फ्लो ऑपरेशन से जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे कंपनी को जो है इंटरेस्ट पे करने में कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग टेक्निकली बात करते हैं। टेक्निकली अगर हम लोग चार्ट्स के ऊपर आएंगे तो बहुत ही शानदार ब्रेकआउट हम लोगों को इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। क्लियरली यहाँ पे डेली चार्ट के ऊपर अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है वो आपको वन ईयर के हाई पे ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है। और साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक हम लोगों को डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अब ये ब्रेकआउट जो है वो आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्टॉक ने डाउन ट्रेंड के बाद इस पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। स्टॉक लगातार यहाँ पे फॉल हो रहा था और लगातार फॉल होने के बाद ने स्टॉक जो है यहाँ पे आपको इस डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन किया है और इसका ब्रेकआउट दिया है। तो इस स्टॉक में जो है एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देंगे तो ये एक पहले से भी ये एक सपोर्ट जोन है आपका स्टॉक का 210 to 250। ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है जहां से कि स्टॉक ने आपको 2019-2020 में भी इसी लेवल से रैली किया था और वापस से जो है सेम लेवल को हिट किया है और उसी लेवल से यहाँ पर हम लोगों को रिवर्सल साइन देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अगर हम लोग वीकली बेसिस पे बात करेंगे तो वीकली चार्ट पे आपको एक परफेक्ट यहाँ पे हम लोगों को डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन दिख रहा है। साथ ही साथ स्टॉक जो है वो आपको एक काफ़ी टाइम से इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2020 से 2020 के दिसंबर मंथ से ही स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा था और अब जाके स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया है। डेली चार्ट पे इस स्टॉक ने क्लोजिंग दे दिया है। अब यहाँ पे अगर आप ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए वेट करना चाहते हैं तो आप जो है वीकली कैंडल का वेट कर सकते हैं। इन केस अगर आप यहाँ पे एग्रेसिवली एंट्री लेना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस पे आप एंट्री ले सकते हैं। अब बात करते हैं जो हम लोगों को नीचे की साइड में स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लेस करना है। तो यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो होगा 240 के नीचे डेली क्लोजिंग बेसिस पे, 240 के नीचे डेली क्लोजिंग बेसिस पे आप अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करके रख सकते हैं। ऊपर की साइड में आपका टारगेट क्या क्या होना चाहिए? ऊपर की साइड में आपका जो टारगेट होगा वो पहला टारगेट होगा 340-350 का जोन। इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर 400-410 ये आपका जो है दूसरा टारगेट होगा। तो एक अच्छा टारगेट इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। स्टॉक जो है बहुत स्ट्रांगली ट्रेड कर रहा है, लेवल्स को जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर देखेंगे तो मंथली बेसिस पे भी स्टॉक जो है यहाँ पे एक मल्टीपल इनसाइड कैंडल का भी ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है क्योंकि स्टॉक के लिए जो है यहाँ पे आपको अक्टूबर मंथ का जो कैंडल था वहाँ पे हम लोगों को सेलिंग प्रेशर जरूर देखने को मिला था, बट नीचे के लेवल से एक अच्छा बाइंग दिख रहा है। लगातार सेलिंग के बाद स्टॉक एक डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट कर रहा है। स्टॉक में हम लोगों को एक बहुत ही शानदार तेजी ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों को सही पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे।
अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।